हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नवोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट के पूरे 3 घंटे बाद बेथेस्डा ने अपना इवेंट शुरू किया, जहां पर उसने आते ही फॉलआउट 76 जैसी फ्लॉप गेम में जान डाल दी। और जिन्होंने इस गेम को लास्ट ईयर परचेस किया था, वो उसके न्यू अपडेट को जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वो न्यू अपडेट क्या था, चलिए हम आपको बताते हैं। बेथेस्डा ने इस गेम में बैटल रॉयल मोड इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें अप टू 52 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं, लाइक एपेक्स लेजेंड। साथ ही आपको इसमें न्यू कैंपेन मोड और कुछ मल्टीप्लेयर के न्यू मिशंस भी देखने को मिलेंगे। इन सभी को एक्सेस करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आपने गेम पहले से परचेस कर रखी हो। सेकंड पॉइंट पर बेथेस्डा ने गोस्टवायर टोक्यो का ट्रेलर शोकेस किया, जो कि एक हॉरर एक्शन एडवेंचर गेम है। इस गेम को बनाने वाली कंपनी है टैंगो गेमवर्क्स, जिन्होंने एविल विदिन सीरीज भी डेवलप की थी। अब इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये गेम कितनी अमेजिंग होगी, बट इस गेम को खेलने के लिए आपको अगले साल तक का वेट करना होगा, क्योंकि इसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ही होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट, बेथेस्डा ने अपनी एल्डर स्क्रॉल्स गेम के न्यू अपडेट के बारे में बताया, जहां अब आप ड्रैगन के साथ भी खेल पाएंगे। फोर्थ पॉइंट पर मोबाइल गेमर्स के लिए भी बेथेस्डा ने एक गुड न्यूज दी, जहां उसने बताया अपनी मोबाइल गेम कमांडर कीन के बारे में, जो आपको एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी और ये रिलीज भी इसी साल तक हो जाएगी। इसके बाद एक और मोबाइल गेम इंट्रोड्यूस कराई गई, जो कि एक कार्ड गेम है, नेम है एल्डर स्क्रॉल्स लेजेंड्स। सिक्स पॉइंट पर बेथेस्डा ने इस साल मई में रिलीज हुई गेम रेस 2 का नया DLC रिवील किया, जिसमें आपको न्यू मॉन्स्टर, न्यू वेपन्स, न्यू गोस्ट और कुछ नए मिशंस भी देखने को मिलेंगे। अगली गेम की बात करें तो दोस्तों, यहां पर बात आती है वुल्फेनस्टीन यंग ब्लड के बारे में, जो रिलीज होगी 26 जुलाई को। और उसमें आपको दोस्तों वर्चुअल रियलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप उस गेम को दोनों ही मोड में प्ले कर पाएंगे, नॉर्मल में भी और VR मोड में भी। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ VR मोड में इस गेम को खेलने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है और इस गेम की लाइव स्ट्रीम आपको सबसे पहले नमोकार लाइव गेमिंग चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बेथेस्डा ने एक और फर्स्ट पर्सन शूटर गेम को शोकेस किया, जिसका नाम है डेथ लूप। इसका ट्रेलर भी काफ़ी इंप्रेसिव था। आप लोगों को इस गेम से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 9 पॉइंट पर बेथेस्डा ने ओरियन को इंट्रोड्यूस किया। ये कोई गेम नहीं है, ये एक तरह की ऑनलाइन सर्विस है, ओनली फॉर स्ट्रीमिंग। इसमें आप जो भी गेम प्ले करेंगे 60 FPS तक सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर बेथेस्डा ने डेमो के लिए डूम को प्ले करके दिखाया। 10 पॉइंट पर दोस्तों हमें डूम इटर्नल का नया ट्रेलर दिखाया गया, और साथ ही उसकी रिलीज डेट भी अनाउंस की गई। ये गेम हमें सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर दोनों ही मोड पर खेलने को मिलेगी। 22 नवंबर 2019 को ये गेम रिलीज की जाएगी, जो 3 नहीं 5 प्लेटफॉर्म पर पब्लिश की जाएगी, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch एंड Google Stadia। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।